नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन, आप देख रहे हैं जनता आवाज। कल 27 मार्च को बसपा मुखिया सुश्री मायावती द्वारा जो पार्टी की दयनीय स्थिति हुई है, जो बहुजन समाज पार्टी की हार हुई है, उसकी समीक्षा बैठक लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर की। क्या कुछ डिसीजन लिया गया इस बैठक में, इस बात पर हम विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और आप सभी से अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो दुर्दशा हुई है, लगातार उसका वोट बैंक गिरता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए बसपा ने समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि 2012 में बसपा की करीब 80 सीट थी, 80 विधायक थे, वहीं अगर 2017 की बात करें तो ये आंकड़ा गिरकर 19 रह गया और 2022 के चुनाव में तो मात्र एक प्रत्याशी बसपा का चुनाव जीतकर विधायक बन पाया। तो निश्चित तौर पर बसपा और बसपा की मुखिया सुश्री मायावती जी को सोचने पर मजबूर किया है। साथियों, आपको बता दूं, इस बैठक में बसपा के विधायक दल के नेता रहे गुड्डू जमाली की घर वापसी की गई। आपको बता दें कि इस बीते चुनाव में गुड्डू जमाली AIMIM के प्रत्याशी भी रहे और वह एकमात्र ऐसे प्रत्याशी थे AIMIM के जो अपनी जमानत बचाने में कायम रहे। गुड्डू जमाली को आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया गया है। आपको बता दें कि यह सीट समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई है। और क्या कहा बहन कुमारी मायावती ने, साथ ही यह भी बता दूं, मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और RSS ने हमारे नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के चुनाव के दौरान झूठी अफवाहें फैलाई हैं और उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं या वोटरों से कहा कि हम बहन जी को राष्ट्रपति बनाएंगे, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। हालांकि बहन कुमारी मायावती ने राष्ट्रपति बनाए जाने की उम्मीद को सिरे से नकार दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मैं कांसीराम साहब की शिष्या हूं, राष्ट्रपति पद तो बहुत दूर की बात है, मैं BJP की कोई भी बात नहीं मानूंगी। इसके अलावा बसपा मुखिया सुश्री मायावती ने 3 प्रमुख प्रभारी भी नियुक्त किए हैं जो बाकी के प्रभारियों पर नज़र रखेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, माना कि बसपा मुखिया बहन कुमारी मायावती ने ये माना कि भाजपा और RSS ने दुष्प्रचार किया है बहुजन समाज के बीच जाकर। लेकिन साथियों, मैं बहन कुमारी मायावती जी से पूछना चाहता हूं, उस दुष्प्रचार को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको तो मीडिया से डर लगता है, आपको अपने नेताओं से डर लगता है, आपको अपने कार्यकर्ताओं से डर लगता है और आप अब भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही हैं, अब भी कोई नया प्लान नहीं बना पा रही हैं। वो क्यों? उदाहरण सुनिए, एक चुटकुला है जो बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय है। दो युवा साथी रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, वो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और नौकरी की तलाश में एक संस्थान में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। जब एक छात्र अंदर जाता है ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए, तो उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अब वो क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पहला बंदा इंटरव्यू देकर बाहर आता है तो उसका दोस्त पूछता है कि भाई क्या इंटरव्यू में क्या पूछा गया, तो बताता है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू। देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। और जो दूसरा वाला बंदा था उसने रट्टा मार दिया। अब वो अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, इंटरव्यू लेने वाला बॉस पूछता है कि नाम क्या है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका जन्म कब हुआ, कि 15 अगस्त 1947। तो ठीक कुछ ऐसा ही हमारी बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, क्योंकि कम से कम ये तो मायावती जी ने माना है कि भाजपा और RSS ने दुष्प्रचार किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी तो ये भी बहन जी मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। अब इस बात को समझाने के लिए ये अपना कैडर बनाएंगे, जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं द्वारा पब्लिक को समझाया जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि आगे BJP और RSS कोई नया षड्यंत्र न रचे? तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर पॉलिटिक्स में अपनी दावेदारी दिखानी है, अपनी मौजूदगी दिखानी है, तो तमाम संगठन आपको खड़े करने पड़ेंगे, चाहे यूथ विंग हो, स्टूडेंट विंग हो, महिला विंग हो,
जो भी अन्य पार्टियों के पास होते हैं, आईटी सेल हो, इन सारी चीज़ों को साथ लिए बिना आपका राजनीति में होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। और एक और दूसरी बात, इसको इस पद से हटा के उसको उस पद से हटाने से क्या हो जाएगा, जब तक जो जमीनी स्तर के नेता हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी द्वारा, मुझे ये नहीं पता किन कारणों के द्वारा लगातार 15-20 वर्षों से एक के बाद एक बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनको जब तक नहीं अपने घर में वापसी करेंगे, जो नए चेहरे हैं उनको नहीं वापस लाएंगे, तब तक बहुजन समाज पार्टी का उद्धार नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जिस भाजपा की बात कर रहे हो, भाजपा का कटाक्ष कैसे कर सकते हो, भाजपा आज उस स्थिति में जो आप कांशीराम साहब की शिष्या होने का दावा करते हैं, आज बीजेपी ने भले ही दिखावे के तौर पर लेकिन कांशीराम साहब का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी में अपना लिया है। अगर यकीन नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश का अभी मंत्रिमंडल आप देख लीजिए, विभिन्न प्रकाश उनका चुनाव लड़ने का एजेंडा देख लीजिए, वोट मांगने का एजेंडा देख लीजिए। कांशीराम साहब कहते थे, स्पष्ट तौर पर कहते थे 1585 का नारा था, उससे एक कदम आगे चल के भारतीय जनता पार्टी ने 80-20 का नारा दिया। क्यों? उन्हें पता है कि मुस्लिम हमें वोट देगा नहीं, हमें उन्हें टिकट देके बर्बाद क्यों करें। साथियों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, तमाम सवर्णों को बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, टिकट देकर अपने ही नेताओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों करते हैं, अपने ही नेताओं को नाराज क्यों करते हैं। जब तक अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक बहुजन राजनीति आगे नहीं जा सकती है। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखते रहिए जनता आवाज़। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।